साथियों, उत्तर प्रदेश की उपजाऊ भूमि, यहां के लोगों का परिश्रम, यहां के लोगों का कौशल अभूतपूर्व है। और मैं किताब में पढ़ करके नहीं बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश के एमपी के नाते यहां के लोगों से मेरा जो रिश्ता बना है, नाता बना है, उसमें से मैंने जो देखा है, पाया है, उसको बोल रहा हूं। यहां के इतने बड़े क्षेत्र को गंगा जी और अन्य नदियों का आशीर्वाद मिला हुआ है, लेकिन यहां 7-8 साल पहले जो स्थिति थी, उसे देखकर मुझे हैरानी होती थी कि आखिर यूपी के ओ यूपी को कुछ लोग किस बात की सजा दे रहे हैं। इसलिए 2014 में जब आप सबने, उत्तर प्रदेश ने, देश ने मुझे हमारे इस महान भारत भूमि की सेवा का अवसर दिया, तो मैंने यूपी के विकास को यहां के एमपी के नाते, प्रधान सेवक के नाते मेरा कर्तव्य बनता था, मैंने उसकी बारीकियों में जाना शुरू किया। मैंने बहुत सारे प्रयास यूपी के लिए शुरू करवाए, गरीबों को पक्के घर मिले, गरीबों के घर में शौचालय हो, महिलाओं को खुले में शौच के लिए बाहर ना जाना पड़े, सबके घर में बिजली हो, ऐसे कितने ही काम थे जो यहां किए जाने जरूरी थे। लेकिन मुझे बहुत पीड़ा है कि तब यूपी में जो सरकार थी, उसने मेरा साथ नहीं दिया। इतना ही नहीं, सार्वजनिक रूप से मेरे बगल में खड़े रहने में भी उनको पता नहीं वोट बैंक नाराज होने का डर लगता था। मैं एमपी के रूप में आता था तो हवाई अड्डे पर स्वागत करके पता नहीं खो जाते थे, उनको इतनी शर्म आती थी, इतनी शर्म आती थी, क्योंकि काम का हिसाब देने के लिए उनके पास खुद कुछ था ही नहीं। मुझे मालूम था कि जिस तरह तब की सरकार ने, योगी जी के आने से पहले वाली सरकार ने यूपी के लोगों के साथ नाइंसाफी की, जिस तरह उन सरकारों ने विकास में भेदभाव किया, जिस तरह सिर्फ अपने परिवार का हित साधा यूपी के लोग, ऐसा करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए यूपी के विकास के रास्ते से हटा देंगे। और 2017 में आपने तो ये करके दिखाया है, आपने प्रचंड बहुमत देकर योगी जी को और मोदी जी को, दोनों को साथ मिलकर के अपनी सेवा का आपने मौका दिया। और आज यूपी में हो रहे विकास कार्यों को देखकर
मैं कह सकता हूं इस क्षेत्र का, यूपी का भाग्य बदलना शुरू हो गया है और तेज गति से आगे बदलने वाला भी है। कौन भूल सकता है कि पहले यूपी में कितनी बिजली कटौती होती थी, याद है ना? कितनी बिजली कटौती होती थी। कौन भूल सकता है कि यूपी में कानून व्यवस्था की क्या हालत थी। कौन भूल सकता है कि यूपी में मेडिकल सुविधाओं की क्या स्थिति थी। यूपी में तो हालत ऐसे बना दिए गए थे कि यहां सड़कों पर राह नहीं होती थी, राह जनी होती थी। अब राह जनी करने वाले जेल में हैं और राह जनी नहीं, गांव गांव नई राह बन रही है, नई सड़कें बन रही है। बीते 4.5 वर्षों में यूपी में, चाहे पूरब हो या पश्चिम, हजारों गांवों को नई सड़कों से जोड़ा गया है, हजारों किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई हैं। अब आप सभी के सहयोग से, उत्तर प्रदेश सरकार की सक्रिय भागीदारी से, यूपी के विकास का सपना अब साकार होता दिख रहा है। आज यूपी में नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, आधुनिक शिक्षा संस्थान बन रहे हैं। कुछ हफ्ते पहले ही कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण किया और आज मुझे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपको सौंपने का सौभाग्य मिला है। भाइयों और बहनों, इस एक्सप्रेसवे का लाभ गरीब को भी होगा और मध्यम वर्ग को भी। किसान की इससे मदद होगी और व्यापारी के लिए भी सुविधा होगी। इसका लाभ श्रमिक को भी होगा और उद्यमी को भी हो, यानी दलित, वंचित, पिछड़े, किसान, युवा, मध्यम वर्ग, हर व्यक्ति को इसका फायदा होगा। निर्माण के दौरान भी इतने हजारों साथियों को रोजगार दिया और अब शुरू होने के बाद भी ये लाखों नए रोजगार के निर्माण का माध्यम बनेगा।